गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद, जी हाँ गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद, तो जैसे गुजरात के इस सूरत शहर में गैर सामाजिक तत्वों की चांदी ही चांदी बनी हुई है। मालूम होता है पुलिस तंत्र और महात्मा चुपचाप मूक दर्शक बना हुआ है, उनके सामने गैर इरादतन गैर कानूनी चीजें पनप रही हैं। समाज के निचले एवं गरीब तबके जो हमेशा कारणोंसर से शोषण को झेल रहे हैं और शोषण का हिस्सा बने हुए हैं, वो तो बने हुए हैं, पर उनके साथ साथ समाज का पढ़ा लिखा तबका, जी हाँ बिल्कुल आप साफ सुन रहे हैं, समाज का पढ़ा लिखा तबका जिसमें वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, ऐसे लोग बुद्धिजीव जो कहलाते हैं समाज के लोग, वो भी गुंडागर्दी का चुनाव के बाद से सामाजिक शिकार बने हुए हैं। बात दरअसल एक घटना की है जिसमें विजय भाई कादरिया नामक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एक छात्र पर कथित तौर पर कुछ गैर सामाजिक तत्वों ने हफ्ता वसूली के नाम पर, जी हाँ हफ्ता वसूली के नाम पर एक चाकू निकालकर पीठ से गोदने की कोशिश की और गैर इरादतन उसको मारने की कोशिश की। एक पढ़े लिखे छात्र को, एक युवक को चाकू मारकर मारने की कोशिश की गई। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा और सुना भी होगा, कुछ लोग बजरंग दल के नाम से हफ्ता वसूली का काम कर रहे थे। छोटे छोटे दुकानदार व्यापारियों को धाक धमकी देकर महीने में 1000 से 1500 रुपए की वसूली की जा रही थी। उसमें विजय नाम के युवक के पान के गले पर जाकर वसूली मांगी, वसूली न देने पर उस पर हमला करने में आया। बार बार धाक धमकी देकर विजय पान वाले को परेशान किया जा रहा था और उसके ऊपर हमला करने में आया। हॉस्पिटल में दाखिल होने के बावजूद हॉस्पिटल में जाकर केस वापस लेने की धमकी देने में आ रही थी। उसी के चलते आज कलेक्टर दफ्तर जाकर आवेदन पत्र दिया गया। मेरा नाम विजय मानसर सोसाइटी गोड़ा में तिस्पुर रोड पे ले रहा हूँ, और वहाँ पे हमारी यादव मान सेंटर नाम की दुकान है, वहाँ पे बजरंग दल के नाम पे अमुक गोरखपुर धंधे हो रहे हैं, जैसे कि हफ्ता हफ्ता उगानी, जो इन लोगों को आप हफ्ता ना दो तो ये लोग जानलेवा जानलेवा हमला करते हैं लोगों पे, और जानलेवा हमला करते हैं और धमकी भी देते हैं। इन लोगों की इतनी सेटिंग है कि पुलिस चौकी लिंबायत पुलिस चौकी में कि इन लोगों के विरुद्ध आप केस लिखवाने जाओ तो भी आपकी कोई सुनवाई होती नहीं है। इसलिए मेरा पे 15/11/2017 पे पहली बार हमला किया था इन लोगों ने जब पूछे, और दूसरी बार 17/12/2017 को रोज दूसरी बार मेरे पे हमला करवाया गया था। यह बजरंग दल के नाम पे चल रहा है, इसलिए मैं बजरंग दल से भी विनती करता हूँ कि आप ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जरूरी एक्शन लें और इनके जरूरी कार्यवाही। आज आप क्या करने जा रहे हो? आज हम यहाँ पे कमिश्नर कचहरी पे हम आवेदन पत्र देने जा रहे हैं, जिसके कारण कोई एक्शन लें। सबके साथ और कौन कौन है? मेरे साथ मेरा पूरा मालदारी समझ आया हुआ है, और हम इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करवाना है, तो हम लोग जरूरी एक्शन भी लेंगे और यहाँ पे थाना पर भी बैठ जाएंगे।